नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे जीके में टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी के लिए मॉडल पेपर, जो परीक्षा को नजदीक देखते हुए ये मॉडल पेपर बना रहे हैं, जो आपके परीक्षा के लिए मददगार साबित हो सकती है। चलिए इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था? आंसर हो जाएगा इसका ए, भूकंप के कारण। अगला क्वेश्चन है, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा बी, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा तीन का ए, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा का ए, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? इसका आंसर रहेगा पांच का सी, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है, सार्स क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा छह का ए, विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सात का ए, एम एस स्वामी नाथन। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध है ऑप्शन दिया है इसमें, श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से, तिलहन से, सरसों से, मछली से। तो आंसर हो जाएगा इसमें दूध से। अगला क्वेश्चन है, ओबीसी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नौ का सी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगला क्वेश्चन है, सैल क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा स्टील उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? 11 का ये होगा ऊंट। इसके अलावा खरगोश, बकरी, भेड़ से ऊन प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स किससे नहीं फैलता है? 12 का डी होगा, बातचीत करने और मरीज को छूने से। अगला क्वेश्चन है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ए, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहां पर लगता है या पुष्कर मेला कहां लगता है? तो आंसर हो जाएगा 14 का बी, अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से है? चौथा स्थान है भारत का, आंसर हो जाएगा 16 का डी, सातवां स्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है समुद्र तल को नहीं छूती है? तो इसका आंसर रहेगा 17 का डी, पंजाब। यानी पंजाब जो है समुद्र तल की सीमा से नहीं छूता है, इसके अलावा तमिलनाडु, गुजरात, मुंबई सब समुद्र से टच है। अगला क्वेश्चन है इसमें,
18 नंबर, जाकिर हुसैन का संबंध है, जाकिर हुसैन का संबंध है, आंसर हो जाएगा 18 का बी तबला से। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की का समाधि स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी विजय घाट। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है, इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए लाल सागर और भूमध्य सागर को। अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 21 का बी इलायची को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। इसके अलावा देहरादून, लखनऊ, पटना सब राज्य की राजधानी, कानपुर राजधानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये उल्टा इन्वर्टेड कामा जो है ये कोष्टक है का सूचक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का भी पुल का, यानी इस प्रकार के जो सूचक आते हैं पुल का है, क्या आगे पुल है। अगला क्वेश्चन है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए हिटलर। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का ए अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है, किसे गरीब नवाज कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 26 का बी मोहिदुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ए दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ए घाटी, यानी पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकोटीन पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा, निकोटीन पाया जाता है किसमें पाया जाता है, ये 4 की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफी के बीजों में, नीम की पत्ती में, इसका आंसर हो जाएगा 29 का आपका आंसर होगा बी तंबाकू में। निकोटीन किसे पाया जाता है, तंबाकू की पत्ती में। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस प्रकार किस तरफ संकेत करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का ए राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, आंसर हो जाएगा 32 का सी काले रंग से। अगला क्वेश्चन है, सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा 33 का आपका बी चीन। अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, इसका आंसर हो जाएगा नवाब शरीफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से, कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का ए कास्ट विडो। अगला क्वेश्चन है, ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी मक्का खरीफ फसल है। इसके अलावा है, बाजरे की फसल कब काटी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का सी नवंबर और दिसंबर में। अगला क्वेश्चन है, एक किस्मों के घर बने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ए बर्फ के, एक किस्मों के घर बने होते हैं बर्फ के। अब देखिए 42 नंबर,
दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। यानी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, 1911 में जो घोषणा की गई और 1912 में जो कोलकाता से हटाकर दिल्ली राजधानी लाई गई भारत की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 43 का डी, समाजवादी पार्टी। ये जो है क्षेत्रीय पार्टी है, इसके अलावा कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी सब राष्ट्रीय पार्टी है। अगला क्वेश्चन है, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ए, परिवार कल्याण से। अगला क्वेश्चन है, कंटूर रेखा दर्शाती है, कंटूर रेखा दर्शाती है। इसका आंसर हो जाएगा 45 का ए, समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जन्मदाता है। इसका आंसर हो जाएगा 46 का डी, मेंडल। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका आंसर हो जाएगा 47 का ए, 23 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसमें जो है ऑप्शन के अनुसार जो मॉडल पेपर है इसमें दिया है ए, लेकिन इस समय जो वर्तमान है वो हो गई है गतिमान एक्सप्रेस। मॉडल पेपर में पहले शताब्दी था, लेकिन वर्तमान में जो है ये गतिमान एक्सप्रेस हो गई है, जो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, यदि दिल्ली से मुंबई ट्रेन से जाया जाए तो वह लघुत्तम मार्ग कौन सा होगा, जिसे स्टेशन आएगा, जिसमें स्टेशन आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का आपका बी, कोटा। अगला है क्वेश्चन, कावेरी नदी बहती है, कहाँ बहती है? 50 का बी, दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का ए, वेद व्यास। अब अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 के ए, सिंगली। अगला क्वेश्चन है, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 53 का ए, गेहूं। अगला क्वेश्चन है, गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क किसे आय होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का सी, जिला परिषद को। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का बी, इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 57 का बी, हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सीमा लंबी है, कितनी है? 7516 किलोमीटर लंबी है, समुद्र से तट लगा हुआ है, 7516.5 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का राजदूत था? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का ए, सेलुकस। मेगास्थनीज राजदूत था किसका? सेलुकस का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। किसकी राजधानी है? हरियाणा की और चंडीगढ़ की। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली मीन्स, आंसर हो जाएगा 62 का ए, केरल। अब देखिए 63 नंबर,
उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर हो जाएगा छिप्रा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? 64 कभी, 1985 में। अगला क्वेश्चन है, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का है आपका, ए राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस बनती है, मीथेन गैस बनती है, इसका आंसर हो जाएगा 65 का, 66 का आपका आंसर होगा ये ए, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर जो है मीथेन गैस बनती है, 66 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है, क्या अंतर है हीरा और ग्रेफाइट में? तो आंसर हो जाएगा 67 का आपका ये, चतुष्फलकीय संरचना एवं खड़कोणीय संरचना। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर आवेश होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का बी, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का बी, जिंक का छड़। अगला क्वेश्चन है 72, यदि यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा 72 का ये, हाइड्रोजन गैस। इसके बाद देखिए 73 नंबर, है विषाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, इसका आंसर होगा 73 का सी, दोनों जीवित और अजीवित दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 74 का बी, बी प्लस। मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? बी प्लस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मशरूम है, मशरूम है, मशरूम क्या है? एक प्रकार का मशरूम जो है फंजाई है। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का ए, लाल रंग, सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैंगनी होता है। अगर इसमें ऊपर पूछा है तो लाल हो जाएगा, अगर नीचे पूछता है तो बैंगनी होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो आंसर होगा 77 का बी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का बी, कांच का बना हुआ। अगला क्वेश्चन है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का ए, रासायनिक प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर हो जाएगा न्यूटन, 80 का ए होगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाया जाने वाला भाग मुक्त एंडोस्पर्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का ए, नारियल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग होता है, कितना होता है? 82 का सी, यानी जो है 1, 2, 3, 4 है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड दिया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कांच में प्रकाश का वेग होता है, कांच में प्रकाश का वेग होता है, कितना होता है? 83 का ए, 2 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन है 84 नंबर,
84 में देखिए इसमें है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का सी, हीरा में। हीरा में सबसे कम कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, रिक्त स्थानों को भरना है, ए प्लस 1/2 का स्क्वायर दिया है इसमें, तो इसका क्या आंसर होगा? 86 का आपका आंसर होगा ए, इसको लगा लीजिएगा, 86 का ए होगा। इसके बाद 87 नंबर दिया है, ए माइनस बी का क्यूब बराबर क्या होगा? इसका आंसर होगा 87 का बी, ए माइनस ए पर 3 माइनस बी पर 3 माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, इसका आंसर होगा 88 का सी, 154 वर्ग सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा 154 वर्ग सेंटीमीटर, 88 का आपका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई आधी कर दी जाए और आधार की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो मूल शंकु के वक्र पृष्ठ पर नए शंकु के वक्र पृष्ठ का अनुपात होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का सी, 1:1 का। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी आधार त्रिज्या को दुगुना कर दिया तो शंकु के आयतनों का अनुपात होगा, इसका आंसर हो जाएगा 90 का ए, 1:4। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 676 का मान होगा, तो इसका आंसर होगा 25, 24, 26 या इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 91 का सी, 26 होगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए आकृति में बीपीसी का मान अंशों में निकालें, इसका आंसर हो जाएगा 92 का ए, 80 अंश। अगला क्वेश्चन है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसका आंसर होगा 93 का सी, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है शंकु का आयतन होता है, इसका आंसर होगा 94 का ए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला क्वेश्चन है एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का आंसर होगा आपका ए, 72 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है समान ऊंचाई के दो शंकु की त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करिए, इसके आयतनों का अनुपात होगा 96 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 1:4। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी 8 सेंटीमीटर है और ओ बी ए बी तो लंब की लंबाई निकालें, तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का आपका आंसर ए, 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 60, 20, 15 मीटर है तो उससे बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो उस कमरे में रखी जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का ए, 65 मीटर। अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले में कितने घन में विभक्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का आपका डी, 216। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, तो
तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का डी, यानी 1000 गोले बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 101 का जो है बी, यानी 2। अगला क्वेश्चन है, यदि 1² + 2² + 2² = 3² और 5² + 7² + 35² = 36² और 6² + 7² + 42² का कितना मान स्क्वायर में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 102 का आंसर होगा इसमें ए, 43। अगला क्वेश्चन है, जब x = 2 और y = 3 तो 9x² × y² / 3x का मान होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 103 का ए, 18। अगला क्वेश्चन है, 500 रुपये का 5 रुपये सैकड़े की ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 104 का आंसर आपका होगा वह है ए, 51.25 रुपये। अगला क्वेश्चन है, शब्द टेलीफोन में ऐसे कितने अक्षर युग्म में जिनके बीच में उतने ही अक्षर मौजूद है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला इनके बीच होते हैं? इसका आंसर है 105 का सी, 3। अगला क्वेश्चन है, यदि धूल को हवा, हवा को उजला, उजला को पीला, पीला को पानी और पानी को लाल कहा जाता है तो चिड़िया कहां पर उड़ती है? आंसर इसका आंसर हो जाए 106 का सी, उजला में। अगला क्वेश्चन है, शब्द एप्पल में कितने अच्छे ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद है जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 107 का आपका आंसर होगा वो होगा ए, 1। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरें, इसमें दिया है 8, 7, 10, 9, 12, इसके आगे क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ये 11 यहां पर होगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरें, इसमें दिया है 4, 5, 7, बीच में खाली छोड़ दिया है, इसके बाद 19 दिया है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 109 का डी, 11। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर, यदि दिन का संबंध रात्रि से है और सफेद का संबंध किससे होगा? तो इसका आंसर होगा 110 का आंसर आपका होगा ए, काला से। अगला क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, सी डी का भाई है, यदि डी ए की बहन है तो डी बी में किस प्रकार का संबंध होगा? तो इसका आंसर होगा 11 का, 111 का आंसर होगा सी, भाई या बहन। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार आम का संबंध फल से है उसी प्रकार आलू का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा 112 का डी, जड़ से। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, 4 और 9 का मध्य समानुपाती होगा, इसका आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का, इसमें दिया ऑप्शन से, वही संबंध है जो सिनेमा का फिल्म से है, इसका आंसर 14 का है, रेटिना। अगला क्वेश्चन है, कमल ने कहा रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है तो कमल का रवि से क्या संबंध होगा? इसका आंसर हो जाएगा 115 का डी, मामा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, जो चित्र दिए गए इनमें से कौन सा भिन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा 116 का डी, यानी डी भिन्न है सबसे। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरें, इसका आंसर हो जाएगा 10, 15, 12, 17 दिया, इसमें कौन सा आगे होगा? 117 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 14, यानी यहां पर 14 आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में दोनों तरफ से एक व्यक्ति का स्थान 5वां है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? इसका आंसर हो जाएगा कुल 9 व्यक्ति हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कोड में ए बी सी को एफ जी एच लिखा जाए तो एल एम एन को लिखा जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 19 का बी, क्यू आर एस।
अगला क्वेश्चन है, एक सौ बीसवां नंबर है। प्रियंका उत्तर की ओर खड़ी है, वह 20 मीटर उसी दिशा में चली और 1 मीटर बाई की ओर मुड़ गई और 35 मीटर दूर चली गई। पुनः वह दूसरे मोड़ पर आई और मुड़कर 20 मीटर चली। अब वह प्रारंभिक दिशा से कितनी दूरी और किस दिशा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 35 मीटर पश्चिम की ओर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह अगला वीडियो ग्रुप डी रेलवे के लिए मॉडल पेपर अपलोड होते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।